नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति जानते हैं। उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि, राहु मिथुन राशि में, सूर्य मंगल और वक्री बुध तुला राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि गुरु और केतु धनु राशि में चल रहे हैं। राशि पर शुरू करते हैं। मेष राशि के सप्तम भाव में सूर्य मंगल और वक्री बुध है, जो जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी का टेम्परामेंट, रोजगार का टेम्परामेंट बहुत बढ़ा के रखा है, बहुत एग्रेशन है, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। प्रेमी प्रेमिका बहुत नजदीक आएंगे लेकिन एक खराब टेम्परामेंट के साथ, जुबान अनियंत्रित हो सकता है, लेकिन धन का आवक बना रहे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के मध्यम से बेहतर है और आपका जो स्वास्थ्य है वो एग्रेशन में रहेगा लेकिन कोई नुकसान नहीं है। वृषभ राशि, मानसिक चंचलता पर नियंत्रण रखिएगा। इसके अलावा जैसा चाहेंगे वैसा गुजरेगा, जिस तरीके से दिन व्यतीत करना चाहेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसको उपलब्धता होगी। शत्रु पक्ष सामने पड़ने की हिमाकत नहीं करेंगे, इतनी अच्छी स्थिति है आपकी, बिल्कुल अच्छा ही अच्छा चल रहा है। नव प्रेम का आगमन है, पति पत्नी में बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, तो ठीक चल रहे हैं। मिथुन राशि, थोड़ी सी तालमेल की कमी हो गई है प्रेम में, उस पर ध्यान दीजिए। अपोजिशन की भाव आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। रोजगार ठीक है, स्वास्थ्य मध्यम है और किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन एक अनबन की स्थिति, थोड़ी बेचैनी, थोड़ा कोई भी आपके ऊपर जो आ रहा है, जो आपसे मिलजुल रहा है या जो लोग मिले जुले हैं या आपके करीब हैं लोग, वो थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो एक डिस्टर्बिंग सा टाइम दिख रहा है। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव में राहु है, एकादश भाव में चंद्रमा है और तृतीय चतुर्थ पंचम भाव में सारे ग्रह बैठे हैं। तृतीय भाव के सूर्य मंगल और वक्री बुध आपको घोर पराक्रमी बना रहे हैं, ऊर्जा का पूरा पूरा संचार आपको दे रहे हैं, लेकिन इधर साझेदारी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रेम की स्थिति ठीक रहेगी, घर की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा और रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो कुल मिलाकर के बेहतर समय। सिंह राशि की स्थिति एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। शासन सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग रहेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, घर में खुशहाली रहेगी, बस संतान पक्ष में थोड़ा प्लस माइनस बना रहेगा, मन थोड़ा प्लस माइनस में बना रहेगा, अज्ञात भय थोड़ा सताता रहेगा, बाकी बिल्कुल ठीक है। कन्या राशि, पहले से बेहतर चल रहे हैं आप, जोखिम से धीरे धीरे उबरने लगे हैं आप। जो मनोभाव एक खराब स्थिति में रहता था, बड़ा आक्रामक बने रहते थे, इरिटेशन लेवल बड़ा रहता था ना, वो सारी चीजों से आप निकल रहे हैं। प्रेम की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम है, रोजी रोजगार में थोड़ा धीरे धीरे बरकत होने लगी है, तो कुल मिला के अच्छी स्थिति। तुला राशि, शारीरिक और मानसिक तापमान बढ़ा रहेगा, धन का आवक बना रहेगा, लेकिन चंद्रमा आज के दिन थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचाने के मूड में है, चोट चपेट लग सकता है, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, तो थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। रोजी रोजगार में ठीक रहेंगे, प्रेम की स्थिति ठीक रहेगी। वृश्चिक राशि, शासन सत्ता पक्ष और राजनीतिक पक्ष के को भाजन के शिकार हो सकते हैं, इसके अलावा सब कुछ ठीक है। प्रेम की स्थिति ठीक है, जीवन साथी की स्थिति ठीक है, रंगीन में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, धन का आवक भी बना रहेगा और जुबान आपकी बड़ी धीरे धीरे सधी हुई होती जा रही है।
धनुराशि। आप जिसके अधीन हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, जीवन साथी का प्यार मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका में थोड़ी जो दूरी है वो कम होगी, कुल मिलाकर के पहले से बेहतर समय। मकर राशि, भावुकता पर नियंत्रण रखिए, यह बहुत आवश्यक है आपके लिए, और कोई भी डिसीजन सोच समझ करके लीजिए। बच्चों के सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य मध्यम दिख रहा है। रोजी रोजगार में धीरे धीरे तरक्की करने लगेंगे। कुंभ राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, घर में कुछ उत्सव संभव है, मां के स्वास्थ्य में सुधार संभव है, व्यापारी की स्थिति ठीक हो रही है, प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर है, कुल मिलाकर के अच्छे चल रहे हैं आप। मीन राशि, अब अविलंब कार्यों को शुरू कर दें, बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सोच लिया है आपने, बहुत एनालाइज कर लिया है आपने, पाइपलाइन में कार्य भरे हुए हैं, उनको श्रेणीबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से शुरू करें। अब अच्छा समय आ चुका है, निरंतर वृद्धि करेंगे, प्रेम की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, रोजगार की स्थिति ठीक है। नमस्कार।